बताना कैसे क्लासेस लगाए हैं। अगर रूट की बात करें तो दो रूट जाते हैं आपके अल्मोड़ा और बिनसर के। कॉर्बेट गए थे ना तब भी इसी पे रुके थे हम। चिमना भाई क्या ड्राइवर है यार, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं ये साइड व्यू मिरर बंद करके। यहाँ से नीचे जाके है खुरपताल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डेट है 28th of October, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं सुबह के, और फाइनली लंबे इंतजार के बाद 5-6 महीनों के बाद पहाड़ों की तरफ अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट 4 डेज हम होंगे देवभूमि उत्तराखंड में। आपने ऑलरेडी टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि हम लोग जा रहे हैं बिनसर। ये एक छोटा सा टाउन है अल्मोड़ा से अराउंड 30 किलोमीटर आगे, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं है, इसीलिए ये सेलेक्ट किया ताकि थोड़ा सा रिलैक्स करें। इस बार कुछ खास एजेंडा अपना नहीं है, एक दो चीज़ें देखेंगे आसपास, बाकी रिलैक्स करेंगे, पहाड़ों के मज़े लेंगे, नज़ारों के मज़े लेंगे और वेदर के मज़े लेंगे। और भाई दिखाएंगे आपको क्या कुछ मिलता है अपने को अल्मोड़ा बिनसर में। और इस बार तो अपने पास एक पक्षी भी है, पक्षी को उड़ाएंगे और आपको बर्ड्स आई व्यू के नज़ारे दिखाएंगे, होपफुली बस क्रैश ना कर दें। तो फिलहाल बस फटाफट निकलते हैं और क्या कुछ रूट लेंगे वो आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियोस भाई देखना एंड तक। अगर आप इस साइड अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी यूज़फुल हो सकती हैं ये वीडियोस। बाकी तो भाई इससे पहले कि ट्रैफिक बढ़े दिल्ली में, फटाफट भग लेते हैं यहाँ से, भग लो। बोलो हर हर महादेव। भाई फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स अपन आ गए हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और 17 किलोमीटर इस पे रहना है और फिर अपने को एग्ज़िट लेना है मुरादाबाद वाला जो यहाँ से 145 किलोमीटर्स। अगर सीधे चले गए तो आप हरिद्वार ऋषिकेश वाले रोड पे निकल जाओगे इससे, तो ये ध्यान रखना है अपना एग्ज़िट लेना है मुरादाबाद वाला। ये दिख गया बोर्ड अपने को, हल्द्वानी 236। वैसे अपन हल्द्वानी से नहीं जाएंगे, दो रूट पड़ते हैं, हम दूसरा लेंगे काला ढूंगी से नैनीताल, वो ज़्यादा बेटर है अगर नैनीताल आपको जाना है। तो भाई अगर रूट की बात करें तो दो रूट जाते हैं आपके अल्मोड़ा और बिनसर के। एक आप जा सकते हो जो मेन रूट है वाया हल्द्वानी काठगोदाम, और उसमें आप नैनीताल स्किप कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो और डायरेक्ट अल्मोड़ा की तरफ बढ़ सकते हो, फिर अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर्स बिनसर। और दूसरा रूट है आप रामपुर से डाइवर्जन लो काला ढूंगी की तरफ, और वहां से आप नैनीताल जाओ और फिर नैनीताल से कैंची धाम होते हुए अल्मोड़ा और बिनसर। तो क्योंकि अपने पास टाइम एक्स्ट्रा है तो हमने सोचा एक चक्कर लगा लेंगे माल रोड का नैनीताल में, फिर नैनीताल से रफली 3 घंटे लगेंगे अपने को आज का स्टे जो अपना है कसार देवी में। आज बिनसर नहीं जाएंगे एग्जैक्टली, कसार देवी में नाइट स्टे करेंगे और कल मंदिर वगैरह देखेंगे वहाँ, और फिर आगे बिनसर पहुँचेंगे कल। तेरे लिए
दर्द सहे हैं, 100 दर्द लिए हैं, हाँ तेरे लिए ही। 100 दर्द सहे हैं तुझसे जो मिले हैं, हाँ तेरे लिए ही। 100 दर्द सहे हैं, 100 दर्द लिए हैं, हाँ तेरे लिए ही। 100 दर्द सहे हैं तुझसे जो मिले हैं, हाँ तेरे लिए। 100 दर्द सहे। भाई क्या सनराइज दिख रहा है, जबरदस्त। यही चीजें हाईवे पे ही मिलती हैं, आपको गाड़ी से ट्रेवल करोगे ना रोड से, तब ऐसे सनराइज देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जबरदस्त लग रहा है सन। जय सूर्यदेव। और भाई अभी ड्रोन उड़ाया फर्स्ट टाइम अपने हाईवे पे। घर के आसपास तो उड़ा के मैंने एक बार ट्राई किया था, एक दो बार, तो काफी ऊपर ले गए मजाक में, और दिखाई दिया नहीं फिर कहाँ गया। बड़ी मुश्किल से लैंड कराया है क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है अभी, और हाईवे पे ट्रक चल रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा हवा थी। और ये नैनो ड्रोन है 250 ग्राम्स वाला, तो भाई ये ज़्यादा हवा में ना विंड रेजिस्टेंस इतना अच्छा होता नहीं है, बट सही कर गए लैंड। होप ड्रोन शॉट्स बढ़िया आए होंगे, बाकी बताना कमेंट्स में। भाई कितना पोल्यूशन है यार यहाँ पे, फैक्ट्री हैं तो दोनों साइड, पता नहीं चीनी मिल है क्या है, शुगर मिल सी होंगी, यूपी में यही है सबसे ज़्यादा। बहुत पोल्यूशन है, अलग ही स्मेल है पोल्यूशन की, गाड़ी के अंदर भी फील हो रही है। गाना कैसे क्लासेस लगाए हैं। मजा आया। ये आ गया भाई गढ़मुक्तेश्वर से जस्ट पहले शिवा ढाबा मामा यादव। यहाँ पे पहचानना मुश्किल है, बट ये वाला एक्चुअल में ऑथेंटिक है, इस पे हम रुकते हैं हमेशा। इसके पकोड़े वगैरह चाय वाय बढ़िया है। अभी कॉर्बेट गए थे ना तब भी इसी पे रुके थे हम। जिमना ब्लैक कलर की जिमना है ना। लो जी निपटाओ। A few moments later. चलो जी निकलते हैं। तो बढ़िया था भाई, ब्रेड पकौड़े खाए और एक पकौड़े की प्लेट और चार चाय, दो दो चाय निपटा गए सुबह सुबह। अबे साले। और बिल आया मात्र 350 रुपए, तो 350 में बढ़िया सा अपना ब्रेकफास्ट हो गया। अब यहाँ से बढ़ते हैं नैनीताल की तरफ। एग्जैक्टली जो गूगल बता रहा है 4.5 घंटे बता रहा है यहाँ से नैनीताल। गढ़मुक्तेश्वर पहुँच गए हैं, यहाँ से जाती है गंगा जी। हरिद्वार के काइंड ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू रखता है गढ़मुक्तेश्वर भी। कर लो जी गंगा जी के दर्शन। बोलो हर हर गंगे। पहुंच गए भाई गजरौला। एग्जैक्ट 125 किलोमीटर है अपने घर से, और यहाँ पे हैं एक्चुअल में सारे खाने के आउटलेट्स, जितने भी आपने सुने होंगे ना सारे बड़े बड़े चेन्स हैं यहाँ पे। बीकानेर वाला, हल्दीराम्स, KFC, मैकडोनल्ड्स, ढाबे भी हैं, हवेली भी है, और स्टारबक्स भी है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे खाने पीने का। तो फिलहाल आप गजरौला के बाद तो रोड बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, यहाँ तक भी बहुत बढ़िया रोड है। पीछे थोड़ा सा काम चल रहा है गढ़मुक्तेश्वर के बाद, हल्के फुल्के डाइवर्जेंस हैं क्योंकि एक्सपेंशन का काम चल रहा है, अदरवाइज तो भाई ताबड़तोड़ रोड्स हैं।
ड्राइवर हैं यार, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, ये साइड व्यू मिरर बंद करके। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मुरादाबाद बाईपास पे, अब यहाँ से सीधा रामपुर की तरफ जाएंगे, होगा आई थिंक 30 किलोमीटर, और यहीं से आगे से डाइवर्जन निकलता है कॉर्बेट की तरफ, अगर आपको कॉर्बेट पे जाना है तो। रेट देख रहा हूँ उससे मेरे होश उड़ चुके हैं। क्या बोला तूने? 150 रुपए का टोल है यार ये तो। रामपुर लेफ्ट, अपने को लेफ्ट ही जाना है भाई। NH9 से डाइवर्जन ले लिया रामपुर की तरफ, अब यहाँ से हम बढ़ेंगे, रामपुर क्रॉस करेंगे, देन बाजपुर, और बाजपुर के बाद आएगा काला ढूंगी, जहाँ से अपने पहाड़ शुरू होंगे, और काला ढूंगी के आसपास वाला जो एरिया है वो आता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंडर, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंडर। भाई रामपुर क्रॉस करके बाजपुर तक ये जो 40 किलोमीटर है ना, आई थिंक वो ये सिंगल रोड ही है, जितना मुझे याद है लास्ट टाइम मैं आया था तब भी ये सिंगल ही था, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। वैसे तो रोड की कंडीशन ठीक ही है, कोई इशू नहीं लग रहा। उत्तराखंड में एंटर कर ही लिया हमने, 9:55, बाजपुर आ गया है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ से है 2 घंटे नैनीताल। पूर्वेक देखो हर ट्रिप की तरह है, गुजरात गाड़ी जरूर दिखेगी, अब हम उत्तराखंड में हैं, अब गुजराती मिल गए हमें यहाँ भी, हर जगह हर स्टेट में मिलेंगे भाई, मस्त हैं बंदे भी सही में, गुज्जू। लो जी यहाँ रुकते हैं, ये है देसी हवेली, जरा यहाँ चाय पियेंगे, बढ़िया बना हुआ है, बहुत मार्केटिंग करी हुई है इन्होंने, हट सी बनाई हुई है देखो। आ जाओ भाई देखें क्या कुछ है, बना तो बढ़िया हुआ है यार, थक गए बहुत ज्यादा बैठे बैठे, 3 घंटे हो गए। चलो आओ देखें, आ जाओ, much later। भाई मस्त से चाय पी लिए, गुड़ खा रहे हैं, अब चलते हैं, यहाँ से कॉर्बेट वाला पार्ट शुरू हो जाएगा और फिर पहाड़, मस्त से पहाड़। चलो बढ़िया था ये एक स्टॉपेज देसी हवेली करके बाजपुर के बाद। चलो क्या मस्त जंगल है भाई, मज़ेदार फीलिंग है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
टेम्परेचर 25 डिग्रीज है यहाँ पे, मस्त मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा प्लेजेंट। भाई यहाँ रुक गए एक बारी, क्या मस्त जगह है यार, मजेदार फीलिंग है यार, ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल, बहुत ही प्यारी हवा, मजेदार। करना पड़ेगा, ये बस बहुत काला धुआं दिए जा रही है, हमें भूत बना देगी ये, इसको ओवरटेक करके आगे नहीं बनाएगी, गजब बेइज्जती है। काला ढूंगी में आपका स्वागत है पूर्विक। काला ढूंगी पसंद ही नहीं है। देखो है लेफ्ट नैनीताल, ये कट मिस नहीं करना है वरना निकल जाओगे हल्द्वानी सीधे। अपने को यहाँ से लेफ्ट ऊपर अब चढ़ाई शुरू करनी है, यहाँ से है 35 किलोमीटर नैनीताल। 35 इतना कम होता है भाई, भुट्टे के लिए रुक गए हैं अब आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, अब तो पहाड़ों पे आए हैं थोड़े मजे लेंगे मौसम। नहीं नहीं डिक्की में नहीं बैठेंगे, उधर बैठेंगे पीछे, आ जाओ डिक्की खोल रही है। हाँ चलो थोड़े भुट्टे भुट्टा खाएं, थोड़ा रिलैक्स करते हुए चलेंगे अब तो। यार जंगल देखो काला ढूंगी का, कितने जबरदस्त पेड़ हैं यार, मजेदार है बिल्कुल। भाई रोड गया हुआ है बीच बीच में, एक तो जगह लैंडस्लाइड हो रखी है नैनीताल रोड पे भी। यहाँ से नीचे जाके है कुरपताल, यहाँ से नीचे जाके होगा बट अपने को जाना है सीधा, हम हाईवे से ही देख लेंगे कुरपताल को, और बस 11 किलोमीटर आ ही गए नैनीताल। भाई यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा, रोड पे नहीं जाना, ये है भाई कुरपताल, इधर बहुत सुंदर दिखती है ऊपर से तो, बट इससे नहीं दिख रही। मैं सोच रहा हूँ एक बार पक्षी उड़ा लें बस, तभी दिख पाएगी वरना नहीं दिखेगी, उड़ा लें 5 मिनट में अपने पक्षी को उड़ाते हैं भाई, यहाँ से सिर्फ ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि बहुत रिस्क है यहाँ चलाने में ना, हम एक्सपर्ट नहीं हैं अभी, बट व्यू शायद आ जाएगा, दिखाता हूँ, लेट्स ट्राई। भाई फिलहाल अभी ड्रोन उड़ाया था खुरपताल के ऊपर, थोड़े बहुत कुछ शॉट्स आए होंगे, बहुत ऊपर निकल गया था
120 मीटर से ऊपर चला गया था, हाइट एक्सीडिंग लिमिट आ गया था और बड़ी मुश्किल से लैंड किया है। क्रैश हो जाता पहले ही दिन। तो अब फिलहाल नैनीताल बढ़ते हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर है यहाँ से, 30 मिनट्स दिखा रहा है, तो फटाफट नैनीताल चलते हैं, एक मॉल रोड पे चक्कर लगाएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे अल्मोड़ा की तरफ। अब लेट नहीं करते हैं, और ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे हो तो भाई लाइक कर देना। हाँ हाँ चलो चलते हैं, सी यू।